भाजपा के पाले में रहता तो उनको जरूर सीट मिलता। सीट लूज करने की बात होगा, देखिए सीट पहली बात के लूज नहीं करेगा, ओम प्रकाश जी भी लगेंगे हमारा। देखिए भाजपा है एक परिवार है और परिवार में थोड़ा मनमुटाव होते रहता है, लेकिन हमारा उनका कोई मनमुटाव नहीं है। जिस इशू पर वो हमको कह रहे हैं कि हम मिले हुए हैं, हम उस इशू पर उनके साथ रहते हैं। वो कहेंगे गंगा जी में चल कर कूद जाया जाए तो हम दोनों आदमी कूद जाएंगे। वो कहेंगे कूदे कि नहीं, हम तो कूद जाएंगे। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि इस इशू पर हम दोनों ही साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई फर्जी तरीके से सिग्नेचर कराते हैं, किसी लेटर पैड पर दस्तखत कराने से, मंडल अध्यक्ष के लेटर पैड पर दस्तखत कराने से टिकट कटना होता है तो देश में बहुत लोगों का टिकट कट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों और बल्कि तीनों LJP जदयू और BJP तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत समझौता हुआ आपस में, जिसमें निर्णय हुआ कि 5 सीटें हम सीट देंगे। तो उसमें कौन सा सीट होगा ये वो तो जानते हैं, अध्यक्ष का क्या औकात है जो सीट कटवा देगा भाई, मेरी क्या औकात है। मैं तो दोषी मानता हूँ, कुछ बोलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग आपस में हैं, रहेंगे। हम मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, जो मीडिया पूछ रहे हैं कश्यप, मैं नाम बता देना चाहता हूँ, वो 2009 में आए थे कि साहब ओम प्रकाश यादव को मिले, हमसे मिले, उस समय हम मदद में नहीं थे, हम जदयू के माननीय मुदस्सिर पटेल जी के साथ थे। वो आकर कहे सिवान में कि सिवान का इतिहास बदलना है, पुनः एक बार मुस्लिम इस सब का उपयोग किए कि मुस्लिम MP न हो, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकलिएगा तो सिवान के व्यवसायी घर में मीट मछली बनाकर खाएंगे और वोट देने नहीं, इतना हैबत है। तो कश्यप जी खुद आए थे हमारे यहाँ 2000, मैं आपके सामने मुझसे भी बोला कि आपने ये काम जी, पूरा नाम क्या है। 9 में कुछ सपोर्टर थे ओम प्रकाश जी का, और आज वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से दूसरे को मदद कर रहे हैं, राजकेंद्र मुझे उनका इंटरव्यू देखने से। और भाजपा परिवार में इस तरह के फूट होने के कारण भाजपा परिवार में कहीं कला नहीं है, कहीं कला नहीं है। ओम प्रकाश जी भी तीर के लिए वोट मांग रहे हैं और हम भी तीर के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अलायंस में सीट चला गया जनता दल यूनाइटेड, तो कला कहाँ से आ गया बताइए। कहीं ना कहीं उन्होंने उनके इंटरव्यू में कहीं है कि नहीं तीर वोट मत दीजिए या हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को उकसा कर वोट बैंक को बदलने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कोई वोट बदलने वाला नहीं है। उनके समर्थक जो है मायूस हैं, स्वाभाविक है, जो 10 साल सांसद रहा हो, अपनों के लिए कुछ किया हो, तो उनके लोगों में मायूसी है। उसको उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है कि हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उन लोगों को लगा करके सीट निकालूँ, ये उनकी भी जिम्मेवारी है जितना हम लोग। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश, बिल्कुल कहा है। तो कहा आप अंतर कला लग रहा है, मकसद दोनों का एक है, हमारा भी मकसद वो है कि कविता सिंह जीते और उनका भी मकसद है कविता सिंह जीते न देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बने। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम 300 सीट BJP अकेले जीतने वाली है, तो कहाँ अंतर है। हमारे मकसद टारगेट एक है, टारगेट जब एक है तो हम दोनों कोई बात होगी तो हम लोग बैठ कर आपस में सुलझ लेंगे। हम लोग तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगा है, आज भी मैं आपके आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, उनसे आपके माध्यम से माननीय सांसद महोदय से कि हमको माफ़ कर देंगे। 10 नंबर वही है जो आपने 10 नंबर दिया। अरे भाई, तो 10 नंबर हमने उनके ऐच्छिक मत का कहा, उनको उन्होंने जो सरकार से काम कराया उसका थोड़ा हम कहें, उनका जो ऐच्छिक मत 50 करोड़ है उसमें मैंने कहा था कि 10% विकास देगा, बाकी 90% उन्होंने कराया है वो अपना बुकलेट इशू करेंगे, बोले हैं जैसा कि इंटरव्यू में वो देंगे, तो हम लोग जानेंगे कि 50 करोड़ में कितना करोड़ किस मंडल में खर्चा होगा। क्या ऐसी बात हो गई कि कश्यप जी आप ही को टारगेट करके इस बात को उखा रहे हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या कारण है, लेकिन मुझे उकसाया जा रहा है कि मैं बोलने वाला व्यक्ति हूँ, कुछ मैं बोल दूँ ताकि आपस में विवाद हो जाए, इससे दूसरे तीसरे को मजा मिले, तो मैं ये करने नहीं जा रहा हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से आपसे सिवान के माध्यम से सांसद, सिवान की जनता से क्या कहना चाहेंगे, सब बात हम लोग घर में बैठ के अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठ कर ये बात सुलझा लेंगे। सिवान की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आप NDA के साथ खड़े हैं? सिवान की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आप, हमारे पास हमारी सिवान की जनता सूझबूझ का परिचय देते हुए NDA के साथ खड़ी है और बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, और सिवान से कविता सिंह जीत कर जाएंगे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के दोबारा प्रधानमंत्री होंगे ऐसा मेरा मानना है।
देखिए ऐसा है कि एमपी साहब पहले जदयू में थे, कांग्रेस में, फिर जदयू में गए, फिर निर्दलीय जाकर के 5 साल कांग्रेस का समर्थन भी किया और फिर बीजेपी में आए। तो एक्चुअल में तो 2014 से 2019 तक ही बीजेपी में रहे, उसके पहले तो दूसरी पार्टी में थे। और हम कभी आरजेडी में नहीं रहे, हम जब आए तो बीजेपी में आए, फिर निर्दलीय हुए, जदयू में गया, फिर पुनः बीजेपी में आ गए। मेरे समझ में जल्दी आ गया कि नहीं, बीजेपी ही मेरा परिवार है और बीजेपी में मुझे रहना चाहिए। और मुझे अब अफसोस नहीं है, मैं 5 साल अफसोस में था कि कहाँ से कहाँ मैं लोकसभा का चुनाव लड़ गया, और अब मुझे आज अफसोस नहीं है क्योंकि पूरा सिवान तीर पर चढ़ गया है। और मैं 2014 में तीर पर चढ़ा था जब तीर का स्थिति खराब था, नीतीश कुमार की स्थिति खराब थी, उस दिन मैं तीर का साथी हूँ, आज तो पूरा सिवान चढ़ गया है तीर पर। इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है। कोई अंतर्कलह नहीं है और NDA यहाँ चुनाव निकालेगा, लेकिन आपका कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि भाजपा में अंतर्कलह है। तो बहुत पहले का बयान है, नहीं, आज सुबह एक बयान आपका आया कि आपने कहा कि जिलाध्यक्ष पर कई आरोप लगाया आपने। आरोप है, मामला न्यायालय में नोमित है, उसी को हमने कहा। क्या मामला था, पूरा बता दीजिए। केस मुकदमा है, आपने कहा था कि हमने भाजपा अध्यक्ष पर लगाया, हमने अपने प्रत्याशी पर नहीं लगाया है, NDA प्रत्याशी पर नहीं लगाया। आपने कहा है कि सिवान में अगर NDA की हार होती है तो उसका हार का टीका। हमने कभी हार नहीं कहा कि NDA की हार होती है, कभी आपने दिखा नहीं सकते। हमने हमेशा, आज भी हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, NDA के प्रत्याशी जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। और लेकिन टिकट कटने पर आपने कुछ दर्द अपना बयान किया। कोई दर्द नहीं है, हमने कहा है कि राष्ट्र के सर्वोपरि है, नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, राष्ट्र के हित में हमने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, NDA के प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन आपने कहा कि फर्जी तरीके से सिग्नेचर करा के क्या भेजा गया था कि सिवान को सीट दिया जाए, क्या मामला है, खुल के बात की। निश्चित रूप से वो जो होने वाला था हो गया है, अब उसके विवाद भेजा करने का कोई औचित्य नहीं लगता है। टिकट कटा नहीं है, यह सिर्फ सहयोगी दल JDU में चला गया है, अगर भाजपा में रहता तो हमें टिकट मिलता। क्या ये टिकट कटवाया गया है? नहीं, टिकट जदयू के कोटे में चला गया था, क्योंकि जिस परिस्थिति में समझौता हुआ उस समय हम लोगों ने तीन राज्य के चुनाव हारे हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आधा आधा पर जो समझौता किया उसी के तहत हम लोग इसी JDU को चला गया। लेकिन जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं NDA को लॉस हो सकता है? नहीं, कोई लॉस नहीं होगा, क्या इस तरह आपस विवाद से क्या NDA कमजोर हो जाएगा? नहीं, कोई विवाद है ही नहीं है तो NDA कहाँ कमजोर है भैया। लेकिन अभी आपके जिलाध्यक्ष ने माफी मांगा है मीडिया के माध्यम से आपसे कि मामले को। जिलाध्यक्ष ने कहे थे कि हमने 100 में 10% काम किए हैं, वो विवाद अब समाप्त हो चुका है, अब उसको भेजने का कोई औचित्य नहीं है। हमने विकास नहीं किया, लेकिन किसी माँ बहन का सुहाग उजाड़ने का काम नहीं किया, हमने किसी का ठगने का काम नहीं किया, किसी का 5 फुट जमीन हड़पने का काम नहीं किया, हमने किसी का शोषण नहीं किया है, तो ये आरोप बेबुनियाद है। चलिए, हम ही माफ़ी चाहते हैं कि हमसे 10 साल में जो गलती हुई हो, जो कमियां हुई हो, उसको हमारे प्रत्याशी को लौट दिया जाए, प्रत्याशी को जिता करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना उद्देश्य है। कैसा रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाले हैं? हम अपने 10 साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने देंगे, ये मेरा दायित्व बनता है। हमने क्या क्या किया है वो 10 साल का उपलब्धि हम अपने जनता को एक मिनट रुकवा दीजिए। थैंक यू।